दोस्तों मेरे सामने थायराइड पेशेंट बैठे हैं, उनका सवाल है कि अगर थायराइड की दवा मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी थायराइड ग्लैंड रिकवर नहीं कर पाएगी, वो जो भी हार्मोन बना रही है उसका हार्मोन बनाना बंद हो जाएगा, मैं इस गोली पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो क्या सही है क्या या गलत है? तो जैसे दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जिसको भी हाइपोथायराइड होता है यानी ग्लैंड कम काम करती है, उन लोग के अंदर बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसे बोलते हैं एंटी थायराइड एंटीबॉडी, प्लस कई केमिकल इम्बेलेंसेज वहाँ होते हैं। ये जो एंटीबॉडी है या बॉडी थायराइड के अगेंस्ट जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उनके थायराइड को डैमेज करते हैं, वीक करते हैं, जिसके वजह से उनका थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। तो समय के साथ साथ जैसे टाइम बीता जाता है, ये एंटी थायराइड एंटीबॉडी प्लस इम्यून सेल थायराइड को वीक करती जाएंगी, जिसकी वजह से मोर देन 99% लोग के अंदर कुछ सालों में ग्लैंड काम करना बंद कर देती है और उनको फुल रिक्वायरमेंट ऑफ थायरॉक्सिन जो टैबलेट हार्मोन है वो बाहर लेनी पड़ती है। इसीलिए अक्सर आप देखा होगा कि डोज सबकी बढ़ती जाती है, पहले 25 खाते फिर 50 खाते 75 खाते, डोज बढ़ती जाती है क्योंकि उनका इंटरनल ग्लैंड डैमेज होता जाता है, उसका हार्मोन बनाने की कैपेसिटी घटती जाती है और कुछ सालों में ग्लैंड काम एकदम नहीं करती और हार्मोन बनना जीरो हो जाता है, तो पूरी डोज उनको बाहर से लेनी पड़ती है। तो अगर आप चाहे दवा बाहर से लें चाहे मत लें, जो डैमेज होना वो होना है, आप दवा खाएंगे तभी डैमेज कंटिन्यू रहेगा, दवा नहीं खाएं तभी कंटिन्यू रहेगा। दवा देने का पर्पज़ क्या हमारा होता है कि थायराइड की कमी पूरी करके जो हाइपोथायराइड के सिम्टम होते हैं, हेयर फॉल, वीकनेस, वेट गेन, बॉडी पेन, चिड़चिड़ापन, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ये सबको ठीक रखें, सो दैट बॉडी एटलीस्ट मरीज जो है स्वस्थ एंड हेल्दी रहे। फिर समझो, चाहे टैबलेट 25 खाओ, चाहे 50 खाओ, चाहे 100 खाओ, 200 खाओ, 500 कितना भी खाओ, अगर आपको TSH इन रेंज आ रहा है तो कोई बॉडी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इस टैबलेट का कोई बॉडी साइड इफेक्ट नहीं, इसकी गारंटी है। हाँ, अगर डोज ज़्यादा खाओगे और TSH बिलो 0.1 से नीचे आ जाएगा, यदि आप डोज ज़्यादा खा रहे हो, तो डोज ज़्यादा कब कहेंगे? जब TSH फॉल करके बिलो 0.1 आ जाए, वो कहलाएगा ओवर डोज। और सालों साल आप डोज ज़्यादा खाओ तो बोन वीक होती है, और 2-4-6 मिनट डोज ज़्यादा खाओ उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आपको TSH 0.1 कम आ जाए, डोज कम कर लो, खुद ही नॉर्मल आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको TSH बढ़ा हुआ है तो दवा बढ़ाने में मत डरें, इससे बॉडी को नुकसान नहीं है।